अब इटली का इतहाद कैसा था इटली यूनिफिकेशन ऑफ इटली यूनिफिकेशन ऑफ इटली क्या थी बेटा इटली भी एक मुल्क था मैंने आप बोला पूरी दुनिया में इनकलाबात आ रहे थे तो 18वीं सदी में इटली रियासतों का एक मजमु था छोटी छोटी रियासतों का एक ग्रुप था मजमुआ था हर एक का अपना खुद का बादशाह था ठीक है और रिवायतें थी जैसे एक एक, रिया, एक वो रियाया हो गई है कि ये हो गई है कि ये एक ये तो हर एक छोटा छोटा रियासतें थी जिनका एक ये क्या था मजमुआ था अब इसमें क्या था हर एक का अपना बादशाह था इसका बादशाह अपना अलग था इसका अपना बादशाह था और उनकी अपनी रिवायतें भी थी ठीक है अपने रूल्स और रेगुलेशंस भी थे इनमें से बाज वेंटीना, रुसलाइस पापल रियासतें बहुत सारी रियासतें रही हैं इन सब कुछ रियासतों के यहां पर नाम है ठीक है बेटा हिस्ट्री बिल्कुल ऐसी है जैसे हम एक कहानी पढ़ते हैं पर ये एक हकीकत पे मबनी कहानी है ठीक है पर कुछ चेंजेस आते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ इसमें तो 1789 में फ्रांसीसी इनकलाब ने इटली में इटली की तारीख में एक अहम रोल अदा करा अगर हम यहां देखें इसके साथ साथ और क्या हुआ था जल्द ही इटली की अहमियत जो थी ना वो बढ़नी शुरू हो गई थी बहुत ज्यादा चेंजेस -चेंज आ रहे थे इनकी जो सियासी जिंदगी थी वहां पे बैंकिंग और गैर मुल्की तिजारत के मराकज बन चुके थे बैंक इंट्रोड्यूस हो चुके थे ठीक है इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक लेकर ये जो इनकलाबात आए थे इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक लेकर चले थे जो आज बहुत काम कर रही है अब फ्रांस के रिपब्लिक बनने के बाद पूरे इटली में इतालवी रिपब्लिक की हिमायत करने वाले खुफिया क्लब तैयार हो गए थे जो खुफिया तौर तौर पर पर सीक्रेट पर उनके साथ थे ठीक है हमने अभी पीछे नाम पढ़ा था एक नेपोलियन बोनापार्ट का ठीक है 1796 सिक्स टू एटीन हंड्रेड की मुद्दत में जब नेपोलियन बोनापार्ट को यूरोपी ताकतों के जरिए शिकस्त दी गई ठीक है तो यानी कि इटालियन पीपल के जरिए इटली में रहने वाले जो लोग थे गैर मुल्की कंट्रोल से आजाद मुत्य इटली का इमकान देखना शुरू करा उनको भी तो इटली अलग से सबको आजादी चाहिए सब किसी ना किसी पावर के अंडर थे ठीक है बेटा